नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। थाना भीम घटना 18 फरवरी सुबह करीब 11 बजे ब्यावर से उदयपुर हाईवे पर गोवंश से भरे ट्रक को बाला जारट भीम के निकट रुकवाया गया, जिसमें गौतस्करी की जा रही ब्यावर से उदयपुर की ओर आ रहा था ट्रक बाला चराट। तिराया पर ट्रक एक नंदी महाराज से एक्सीडेंट हुआ और सामने मारुति थी उससे भी ठुक गया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसी दौरान अंदर से आवाज आ रही थी, स्थानीय लोगों को लगा कि अंदर गोवंश है। तुरंत उन्होंने गौरक्षक भाइयों को कॉल किया। तुरंत मौके पर सोल्जर्स गौ सेवा समिति मगरा बेल्ट के युवा सोल्जर राजपूत शंकर सिंह पालड़ी कैलाश जी सारोठ चेतन सार टाइगर बॉस और बजरंग गौ सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के सदस्य युवा पूरन सिंह जी कान जी मुकेश जी वीर तेजा गौ सेवा संस्था आसिंद के युवा लक्ष्मण जी राजेश जी सभी गोवंश को सुरक्षित उतार। वहां पर गाड़ी में लगभग 75 गोवंश थे, जिसमें से 6 गोवंश का निधन हो गया। तुरंत गौरक्षक सोल्जर राजपूत से विक्रम जी मेवाड़ा को कॉल लगाया और तुरंत विक्रम जी जेसीबी भी लेकर आए और सभी गोवंश को एम्बुलेंस में भरकर ले गए और टोटगढ़ तहसीलदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा बताई गई इस जगह पर सभी को रक्षक भाइयों ने सम्मान सहित दाह संस्कार किया। गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जल्द से जल्द पकड़ने की मांग रखी और गौरक्षक भाइयों ने एसएचओ गिरधारी सिंह और पूरे पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द पकड़कर गिरफ्तार कर देंगे। और ऐसे जो गिरधारी सिंह ने गौ सेवा समिति का आभार व्यक्त किया है, गौ माता के लिए युवाओं द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आज यहाँ बालाचराट के पास कार और ट्रेलर में एक्सीडेंट में जो गोवंश मिला था उसको संपूर्ण कार्रवाई तथा उनको लास्ट तक उनका निस्तारण करने तक सोल्जर्स गौ सेवा समिति ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सहयोग करते रहें ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों का पकड़ा जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।